अमेरिका और चीन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच मानो एक दूसरे के सामानों पर टैक्स लगाने का कोई मुकाबला चल रहा हो। पहले अमेरिका ने चीन के 200 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई और अब चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। चीन ने 60 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% से बढ़ाकर सीधा 25% कर दी गई है। बढ़ा हुआ टैरिफ 1 जून से वसूला जाएगा। तकरीबन 5,140 अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर चीन ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए शुक्रवार को इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी फेल रही। ये ट्रेड वॉर अब आसानी से खत्म होती नहीं दिख रही है। इससे पहले अमेरिका ने चीनी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। अमेरिका ने चीनी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 25% कर दी थी। 200 अरब डॉलर के चीनी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। अमेरिका में चीन से करीब 20,000 करोड़ डॉलर के सामान का आयात होता है। दुनिया के दो शक्तिशाली देशों के बीच इस ट्रेड वॉर का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। अमेरिकी और चीन के शेयर बाजार पर तो इसका असर दिख ही रहा है, इससे भारतीय और एशियाई बाजार में भी मंदी आ गई है। ट्रेड वॉर से दुनिया भर के निवेशक सहमे हुए हैं। ट्रेड वॉर की वजह से चीन की ग्रोथ की रफ्तार मंदी हो गई है। अप्रैल में चीन का निर्यात पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले 2.7% लुढ़क गया। वहीं चीन के आयात में 4% का इजाफा हुआ, जो काफी हैरान करने वाला है। इसकी वजह से चीन का व्यापार घाटा 13.84 अरब डॉलर पहुंच गया। चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के चलते भारी दबाव में है। आशंका जताई जा रही है कि इस साल चीन की विकास दर 30 साल में सबसे कम हो सकती है। चीन की ग्रोथ 6.2% तक लुढ़क सकती है। ट्रेड वॉर से सिर्फ चीन को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि अमेरिका को भी काफी घाटा सहना पड़ रहा है। अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करीब 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया का व्यापारिक माहौल खराब हो रहा है। अमेरिका और चीन को मिलकर जल्द से जल्द ट्रेड वॉर का दी एंड करना होगा, वरना ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।